हाय, मैं हूँ जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। आज की इस वीडियो में कुछ मज़ेदार टेक न्यूज़ लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट आ रही है ऊबर की तरफ से, ऊबर के एक नया न्यूज़ सामने आई है। जो बहुत सारे लोग जो ऊबर में ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका सामान पत्र सब छोड़ के चले जाते हैं। जैसे उनके पेट हो गया, मोबाइल फ़ोन, बैग, सब सभी छोड़ के चले जाते हैं। और उबर बोल रहा है कैब में सामान छोड़ने के मामले में सबसे पहले जो सिटी है बेंगलोर, उसके बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट एक नया चैटिंग एप्लीकेशन ऑन करेगा जिसका नाम है रू। इस एप्लीकेशन को माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला है इंडिया के लिए। तो अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ सैमसंग की बैटरी को लेकर। सैमसंग ये दावा कर रहा है कि इस बार उसकी बैटरी नहीं फटेगी सैमसंग S7 की तरह, इस बार बैटरी अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। अगला जो न्यूज़ है आईफोन की तरफ से। आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है। बेंगलोर के IIT मिनिस्टर के पास से परमिशन चला आया है। एक महीने के अंदर इंडिया पे आईफोन मैन्युफैक्चर ऑन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है इंटेल की तरफ से। इंटेल अब से 10 नैनोमीटर का चिप सेट बनाने वाला है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं है, डेस्कटॉप प्लस के लिए। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ है ACTH की तरफ से। हैदराबाद पे ACTH एक फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस ऑन किया है। जो स्पीड है उसकी 1 Gbps और इसका महीने का प्राइस है 5999। तो और भी 10 सिटी में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग का स्टॉक Note S7 से ज़्यादा होगी, लेकिन इसका बिकना शुरू होगा अप्रैल का 21 तारीख से। तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला जो न्यूज़ है iPhone 8 की तरफ। iPhone 8 का फ़ोटो लीक हो के आया है। इस फ़ोन में कितना सच्चाई और कितना झूठ है तो नहीं पता, फ़ोन लॉन्च होने पे ही पता चलेगा। इसके पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिख रहा है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है एडिसन की तरफ से। एडिसन दिल्ली की IIT मिनिस्टर से एक डील साइन हुई है। अगला 2020 के अंदर इंडिया पे 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा, इसी पे काम चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक पे 360 वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अभी सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं 360 वीडियो। 360 के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 360 कैमरा लगेगा, जो नोकिया का ओजो है। अब सैमसंग का 360 गियर भी आ चुका है। ये सब कैमरा से आप 360 वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ है जो टी मोबाइल नाम के कंपनी ने सैमसंग S8 के ऊपर LTE नेटवर्क पे 1 Gbps की स्पीड रिकॉर्ड की है। तो आइए बढ़ते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ है SpaceX की तरफ से। SpaceX एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, जो ये रीयूज़ करने जा रहा है, रॉकेट को रीयूज़ करने जा रहा है। फैल्कन 9 नाम का रॉकेट है, इसको रीयूज़ करने के लिए ही बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आज की इस लास्ट न्यूज़ की तरफ। आज की लास्ट न्यूज़ जा रही है जियो की तरफ से। जियो का हालत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अभी जियो का प्राइम मेंबरशिप 50 मिलियन कस्टमर ले चुका है, तो अभी भी जियो की प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए लाइन लगा है। तो अगले महीने पे और भी नया कुछ प्लान लेके आएगा, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट का खबर आ रही है। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आता है, क्या नया ऑफर आता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।